नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेआर न्यूज और आपके साथ मैं हूं आरती गहलोत। आइए रुक करते ही ताजा खबर की ओर। अंतिम संस्कार के लिए घंटों तक पड़ा रहा शव। आज के दौर में भी अंतिम संस्कार करने दो गज जमीन के लिए घंटों तक पड़ा रहा है शव। हम बात कर रहे हैं शिवनी जिले के थाना आधे गांव की, जहां पर अंतिम संस्कार करने दो गज जमीन के लिए लड़ना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं नाथ समाज की। एक बुजुर्ग महिला का निधन हो गया था। परिवारजनों द्वारा आधे गांव स्थित नाथ समाज के ही शमशान घाट पर अंतिम संस्कार करने पहुंचे परिजन, लेकिन गांव के ही सुरेश नामक व्यक्ति ने स्वयं की जमीन बताते हुए शव को अंतिम संस्कार नहीं करने दिया। इसी कारण दोनों पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद के चलते शव करीब 4-5 घंटे तक शमशान घाट में पड़ा रहा। इस विकराल स्थिति को देखते हुए नाथ समाज ने शव के अंतिम संस्कार न करने एवं शव को लेकर धरना प्रदर्शन करने का ठान लिया। स्थिति गंभीर होते देख जैसे ही खबर पुलिस प्रशासन को लगी तो मौके पर पुलिस टीम और लखनादौन से राजस्व अमले के साथ नायब तहसीलदार प्रीति पटेल ने समझा बुझा कर शव का अंतिम संस्कार करवा दिया। आखिर सवाल उठता है कि आज 21वीं सदी में भी ऐसी प्रथा है जहां जमीन के विवाद के कारण अंतिम संस्कार करने शव को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जबकि लोगों द्वारा शासन के भवन और शासकीय भूमि पर रसूखदारों का कब्जा है, जिसे शासन प्रशासन हटाने में नाकाम साबित हुई। यही कारण है कि गरीबों को रहने के लिए जमीन ही नहीं बची। लेकिन हद तो तब हो गई जब शव के अंतिम संस्कार करने के लिए दो गज जमीन के लिए घंटों तरसता रहा शव। शिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। रेडी जब हमें यहाँ समाधि स्थल बनाने के लिए गड्ढा खोदने आए, तो जब हम कहाँ गड्ढा खोद रहे थे, हमारे नाथ समाज के काफ़ी वर्षों पुराना शमशान घाट है, जिस पर सुरेश प्रजापति यहाँ पर आता है और कहता है कि यह मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ पे गड्ढा नहीं खोदने दूंगा और अंत्येष्टि नहीं होने दूंगा। अब हमको अंत्येष्टि करने के लिए धमकी दे रहा था। अंत्येष्टि करने के लिए हमको थाना प्रभारी जी, नायब तहसीलदार जी, SDM जी को सहारा लेना पड़ रहा है और प्रशासन के द्वारा हमारी अंत्येष्टि कराई जा रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारी समस्या को सुने, नहीं तो अगली अगर हमारी समाज कोई मृत्यु होती है तो अगली बार हम शमशान घाट नहीं लाएंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। आज आधे गाँव नाथ समाज में एक महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसको अंत्येष्टि के लिए नाथ समाज की जो जगह थी, जो 250 साल से पुरानों मतलब पूर्वजों का अंत्येष्टि की जा रही थी, वहां पर लेके आया गया। उसी दौरान सुरेश परवारी, कोमल परवारी पिता, वहां के विवाद करने लगा, बोलने लगा ये मेरी ज़मीन है, मैं यहाँ ईंट का भट्टा पार रहा हूँ 5 साल से। उसने 3 घंटों तक विवाद किया। जब हमने राजस्व अमला, यहाँ के थाना प्रभारी राजेश दुबे जी को इस बात की सूचना दी, वो लोग यहाँ आए, फिर उन्होंने सामने से इस मिट्टी को अंत्येष्टि कराया गया और इस पर बहुत ज़्यादा विवाद किया सुरेश परवारी। मैम, आज आधे गांव के पास जो विवाद हुआ है अंत्येष्टि को लेकर शमशान भूमि पर, क्या मामला है, उस पर क्या कार्रवाई आगे की जा रही है? आज मुझे आधे गांव में एक विवाद संबंधी सूचना प्राप्त हुई थी। हम लोग मौके पर गए तो वहां पे दो पक्षों के बीच विवाद था। एक नाथ संप्रदाय वहां पे काफ़ी वर्षों से अंत्येष्टि करते थे, सरकार शासकीय ज़मीन है वो, और दूसरा वहां पे दूसरा पक्ष है, उसने अतिक्रमण किया था। तो हमने मौके पे जाके समझाइश की और उसके बाद समझाइश के बाद वहाँ पे अंत्येष्टि संपन्न हुई शांतिपूर्ण तरीके से, और फिर दोनों पक्षों की जो आगे की कार्यवाहियाँ हैं वो हमने स्टार्ट करवा दी। मैडम, प्रथम दृष्टया जिसने ऑब्जेक्शन किया था, जिस पक्ष ने, उसके ऊपर क्या कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और आगे क्या कार्रवाई होगी? उसके ऊपर अभी हमने 151 का मामला बनाया है और फिर आगे सारी चीज़ें, और दूसरे पक्ष को भी हमने, वो ज़मीन चूंकि उनके नाम पे नहीं थी, शमशान के नाम पे नहीं थी, तो उसको शमशान के नाम पे कराने के लिए भी जो आवेदन था वो लिया है और आगे सारी सीमांकन वगैरह के बाद उसको प्रस्तावित कर दिया जाएगा। फिलहाल खबरों में इतना ही। आगे की तमाम जानकारी के लिए आप बने रहे हमारे साथ और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।